हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। देखो, हमने अभी तक अकाउंटेंसी का जो भी किया उससे हमें इतना मतलब पता लगा है कि जो अकाउंटेंसी है वो कुछ और नहीं है, जो बिजनेस की वेरियस ट्रांजेक्शन्स है एक तरीके से उसका ब्यौरा तैयार करना, लेखा जोखा तैयार करना है। हमने अभी तक प्लस वन की अकाउंटिंग में जो चीजें कवर की हैं वो कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट कवर किए हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन जो बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट था हमने उसे कवर किया। अब देखो, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के दौरान एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं और कैपिटल क्या होता है, हमें इन तीन चीजों के बारे में तो पता चल गया। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले, अकाउंटिंग के और आने वाले पड़ाव को समझने से पहले, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना जरूरी है। तो मैंने कुछ कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज को भी कवर किया है, और उनके अलावा जो कुछ और नई टर्मिनोलॉजीज हैं, वैसे तो हमें उसमें भी ज्ञान हुआ है डेटर्स और क्रेडिटर्स का, लेकिन हम आज एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो सके कि लेखांकन करते वक्त कौन कौन सी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है और उनका क्या मतलब होता है। तो शुरू करेंगे। फर्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि व्यावसायिक लेन देन। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। तो देखो, कोई भी आर्थिक क्रिया जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी वो क्या कहलाई जाएगी? वो व्यावसायिक लेन देन कहलाई जाएगी। अब अगर कोई भी चीज वित्तीय पोजीशन को प्रभावित कर रही है, इसका मतलब हम उसे धन के रूप में, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। इसलिए एक एग्जाम्पल जो लिखी गई है वो है कच्चा माल खरीदा जाना। तो अगर हम कच्चा माल खरीदेंगे तो पैसा हमारी तरफ से जाएगा। हमने कितना कच्चा माल खरीदा, हम इसे मनी की फॉर्म में स्टडी भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह एक आर्थिक क्रिया कहलाई जाएगी, यह एक आर्थिक लेन देन कहलाया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट इज कैपिटल, यानी कि पूंजी। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेस मैन और एन ऑनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी एसेट इन द बिजनेस। देखो, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत ही बारीकी से समझा हो तो आपको क्लियर होगा कि कैपिटल यानी कि पूंजी क्या है। तो वह राशि जो नकदी में या संपत्ति के रूप में, अगर नहीं भी देखा तो यहां पर आपको मीनिंग क्लियर किया जा रहा है, वह राशि जो नकदी में या किसी संपत्ति के रूप में एक व्यवसायी द्वारा या स्वामी के द्वारा अपने व्यवसाय में निवेश की जाती है। अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं तो मैं अपने उस बिजनेस को स्टार्ट करते दौरान जो भी पैसा इन्वेस्ट करूंगी या अगर कोई एसेट इन्वेस्ट करूंगी तो वो मेरी पूंजी कहलाई जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट इज आहरण, यानी कि ड्रॉइंग्स। द अमाउंट और गुड्स और बोथ विच इज विड्रॉन बाय एन ऑनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। मतलब अगर आप कोई भी राशि या कोई भी माल या दोनों, अगर आप, मतलब अगर आपका बिजनेस है, आप एक व्यवसायी हो, तो आपके द्वारा अगर वो निजी या व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल यूज के लिए आप व्यवसाय में से निकाल रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। जैसे आपने अपने बेटे के लिए एक कार खरीदी तो वो पेमेंट जो है, अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने बेटे के लिए कार खरीदी तो पेमेंट अगर उसने बिजनेस के थ्रू कर दी तो वो पेमेंट की गई क्या कहलाई जाएगी? ड्रॉइंग्स कहलाई जाएंगी। आई होप कि आपको ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल और ड्रॉइंग्स क्लियर होगा कि क्या है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज एसेट्स यानी कि संपत्तियां। तो दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड बाय अ बिजनेस विच इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस।
तो बेसिकली संपत्तियां वो चीजें होती हैं जिन पर बिजनेस का, व्यवसाय का मालिकाना हक होता है, जिन्हें बिजनेस ने खरीदा है और क्यों खरीदा है, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके, ठीक है, या उसको उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, इनकम आय जनरेट कर सके। अब देखो, मैंने जब अकाउंटिंग इक्वेशन करवाया था तब मैं इन चीजों को तो क्लियर कर चुकी हूं कि एसेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो करंट एसेट्स होते हैं और एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो चालू संपत्तियां और अचल संपत्तियां आपको पता है, लेकिन अगर मैं हल्का सा हिंट दूं तो ऐसी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर ही हमें अपने आप को कैश में बदलकर हमें कैश जनरेट कर दे दे, हम उन्हें करंट एसेट्स बोलते हैं। लेकिन ऐसी एसेट्स जिन्हें हम एक साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनसे फायदा उठा सकें आने वाले समय में, भविष्य में, ऐसी संपत्तियों को अचल संपत्तियां कहा जाता है। अब देखो, इनकी फर्दर दो कैटेगरीज भी हम स्टडी कर सकते हैं, इसे मैंने इस तरीके से तैयार किया है ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, पहली जो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी है वो है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी होती है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल का मीनिंग पता है तो आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त संपत्तियां और इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त संपत्तियां, जिनका भौतिक अस्तित्व है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको देखा छुआ जा सकता है, कैन बी सीन और टच्ड, उन्हें हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल है फर्नीचर या मशीनरी, बिल्डिंग, इस तरीके की एसेट्स जो हैं वो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स की, तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको देखा छुआ नहीं जा सकता है, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां लिखी हुई हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटीज यानी कि देयताएं, वे दायित्व जो भविष्य में व्यवसाय ने चुकाने हैं, इसका मतलब आने वाले समय में जिसकी पेमेंट्स करनी है उन्हें हम लायबिलिटीज बोलते हैं। तो दीज आर ऑब्लिगेशंस, ये बिजनेस के कंधों पर भार हैं, ये एक तरीके का ऋण है जिन्हें आने वाले समय में, आने वाले नजदीकी भविष्य में बिजनेस को चुकाना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटीज कहलाई जाती हैं यानी कि देयताएं कहलाई जाती हैं। अब अगर हम देयताओं के बारे में पढ़ें तो ये भी मैंने कवर करवा दिया था पहले ही अकाउंटिंग इक्वेशन में, लेकिन अगर हम फिर से एक बार इससे ध्यान दें तो ये हैं करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व होते हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज गैर चालू दायित्व होते हैं। जो चालू दायित्व होते हैं बिल्कुल उसी तरीके का ही मीनिंग है जो हमने करंट एसेट्स में पढ़ा था, कि ऐसी लायबिलिटीज जिन्हें हमें एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना है उन्हें करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। बल्कि ऐसी लायबिलिटीज, जबकि ऐसी लायबिलिटीज जिन्हें हम एक साल के बाद भी पे ऑफ कर सकते हैं उन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स अगर बैंक से ले लिया जाए तो हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में बोलेंगे, ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा। एक और मैं आपको यहां पर एक और बात क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया था, पांच साल का लोन लिया था, चार साल हो चुके हैं, पांचवा साल अब चल रहा है, तो उस वक्त वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि वो आने वाले एक साल के अंदर अंदर आपको पे करना है, तो वो इस कैटेगरी में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसलिए मतलब मुद्दे की बात यह है कि टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी कुछ कैटेगरीज इसमें इस कैटेगरी में कवर होते हैं और कभी कुछ इस कैटेगरी में कवर होते हैं। तो आपको जनरल मीनिंग पता होना चाहिए कि करंट लायबिलिटीज जिन्हें एक साल के अंदर अंदर हमने पे ऑफ करना है, नियर फ्यूचर में पे ऑफ करना है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज जो अभी दे नहीं हुए हैं, जो अभी ड्यू नहीं हुए हैं, जिन्हें हम कुछ टाइम बाद, जनरली एक साल के बाद पे करेंगे। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है
जिससे मैंने आज कवर किया है वो है डेटर्स यानी कि देनदार। अब मैं फिर से कहूंगी कि जिसने अकाउंटिंग इक्वेशन समझी है उसको डेटर्स क्लियर होंगे, नहीं समझी है तो आप यहां से आइडिया ले सकते हो कि डेटर्स का क्या मतलब होता है। दीज आर दोज पर्सन्स और बिजनेस एंटिटीज टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मैंने कैश नहीं लिखा, मैंने क्रेडिट लिखा है। तो ये वो पर्सन्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं या वो बिजनेस एंटिटीज होती हैं जिनको बिजनेस ने उधार पर कोई माल या कोई सेवा बेची है। दीज आर दी एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। अब एसेट क्यों बनेगा? ध्यान दो, मैंने आपको सेकंड नंबर पे एसेट्स बताए थे। तो एसेट्स क्या थे? मैंने अभी अभी पिछली सेकंड स्लाइड में आपको एसेट्स बताई हैं। तो एसेट्स क्या थी? एसेट्स वो थी जिन पर हमारा मालिकाना हक था। तो यहां पर भी तो हमारा हक बन गया ना कि मैंने उस इंडिविजुअल से पैसे लेने हैं। नियर फ्यूचर में मैंने उस इंडिविजुअल से पैसे लेने हैं क्योंकि मैंने उसे क्रेडिट पर माल बेचा है। जिसको बेचेंगे उससे हम पैसा लेंगे। तो इसलिए ये जो डेटर्स हैं वो हमारी क्या बन जाएंगी? वो हमारी एसेट्स बन जाएंगी। ये वे व्यक्ति या संस्थाएं होती हैं जिन्हें उधार पर माल बेचा गया हो और यह व्यवसाय की संपत्ति कहलाते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है क्रेडिटर्स, लेनदार। दीज आर दोज पर्सन्स और बिजनेस एंटिटीज फ्रॉम हुम। अब देखो टू था, टू की जगह पर मैंने यहां पर क्या कर दिया है? फ्रॉम कर दिया है। ऊपर डेटर्स वाले में टू हुम था, यहां मैंने फ्रॉम हुम कर दिया है। यहां डेटर्स में सोल्ड है, मैंने यहां पर परचेज कर दिया है। तो बाकी रेस्ट सेम रहा है मीनिंग। तो दीज आर दोज पर्सन्स और बिजनेस एंटिटीज फ्रॉम हुम बिजनेस हैज परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड दीज आर दी, अब इसका भी ऑपोजिट कर देंगे, एसेट्स का ऑपोजिट लाइबिलिटीज होता है। तो दीज आर दी लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। ये वे व्यक्ति या संस्थाएं होती हैं जिनसे व्यवसाय ने उधार पर माल या कोई सेवा खरीदा या खरीदी है और यह व्यवसाय के लिए एक दायित्व होते हैं। अब इन दोनों से ही रिलेटेड, डेटर्स और क्रेडिटर्स से ही रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसे मैं आज ही कवर करूंगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। ये चैप्टर आएगा आपके पास आगे चलकर पूरा फुल फ्लेज, लेकिन मैं आपको बताऊंगी यहां पर कि दो तरह के बिल होते हैं और वो दो तरह के बिल में से कौन सी हमारी एसेट है और कौन सी हमारी लाइबिलिटी है। देखो दो तरह के बिल होते हैं, बिल्स रिसीवेबल और एक बिल्स पेबल। बिल एक ही होता है लेकिन किसी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है और किसी के लिए वो बिल्स पेबल बन जाता है। अब बिल्स रिसीवेबल हमें कौन देता है? देखो कई बार जिनको हमने उधार पर माल बेचा है यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं वो हमें लिखित तौर पर एक डॉक्यूमेंट सा तैयार कर दे देते हैं जिसमें वो हमें ये लिख कर देते हैं कि हम तुम्हें इतने टाइम पीरियड के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे जो तुमने हमें क्रेडिट पर माल बेचा है पे कर देंगे। तो एक तरीके से मेरे पास रिटर्न गारंटी आ गई, रिटर्न श्योरिटी आ गई कि हाँ मुझे मेरा पैसा मिलेगा। तो इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल हमें डेटर्स से मिलते हैं और क्योंकि डेटर्स हमारी एसेट्स थी और ये बिल्स रिसीवेबल भी हमें हमारा हक बता रहा है कि हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए बिल्स रिसीवेबल भी हमारी क्या बन जाते हैं? एसेट्स की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। एक तरीके से यूं कहेंगे कि डेटर्स ने अपना रूप बदलकर बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में ले लिया। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट समझो बिल्स पेबल में क्या है। बिल्स पेबल में है कि ये हमें क्रेडिटर्स से मिलते हैं, मतलब एक तरीके से यूं कह लो कि हमने किसी को बिल काट कर दे दिया, हमने लिख कर दे दिया कि हम तुम्हें इतने टाइम पीरियड के बाद पैसे पे करेंगे या किसी ने हम पर बिल बना दिया। तो एक तरीके से वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी देता है, हमें ये बिल क्रेडिटर्स से मिलता है, मतलब एक तरीके से क्रेडिटर्स के थ्रू ये जनरेट हुआ है। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसे देने हैं। तो अगर क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी थे तो बिल्स पेबल भी हमारी लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो आई होप कि जितना मैंने आपको आज की अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया है वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होंगी। मैं कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज
और कवर करूंगी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको मोर अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। शेयर दी वीडियोज एंड लाइक दी वीडियोज। थैंक यू सो मच।